करिश्मा गुंडलिया एंड आई एम योर ड्रॉइंग टीचर। कैसे हो सब लोग, मजे में? मैंने लास्ट पीरियड में आप लोगों को ड्रॉइंग करवाया था, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। वो बटरफ्लाई करवाया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को स्ट्रोक करवाया था। कंप्लीट कर लिया है ना आप लोगों ने? ओके फाइन। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ड्रॉइंग में आप लोगों को, वो भी ज्योमेट्रिकल शेप ही है, उसमें पेज नंबर 32 एंड पेज नंबर 33, ये दोनों में पेज आप लोगों को आज करवाने वाली हूँ। तो चलो, उसके लिए आप लोगों को बुक निकालनी पड़ेगी। कौन सी बुक निकालनी है? 8 साल ये वाली बुक निकालनी है और उसके अंदर पेज नंबर 33 एंड 32। ओके, ये 32 एंड 33 दोनों पेज में मैं आप लोगों को, देखो यहाँ पे ट्रेस लाइन यानी कि ड्रॉ करके दिया ही है, उसके ऊपर आप लोगों को आउटलाइन देनी है और अच्छी तरह से कलर फिलअप करना है। ओके, दोनों ड्रॉइंग में ये 32 पेज नंबर का तो इजी है। ओके, फ्लावर दिया है आप लोगों को, लेकिन 33 ये थोड़ा सा उठपटा आप लोगों को लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके अंदर कलर कैसे फिलअप करना है ना, वो आप लोगों को सिखाऊंगी इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ड्रेस लाइन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर की आउटलाइन देंगे। तो चलो, ब्लैक कलर निकालो सब लोग। निकाला सब लोगों ने ब्लैक कलर। पेज नंबर 32 पे मैं पहले आउटलाइन दूंगी। तो आउटलाइन देने के लिए आप लोगों को ये लास्ट फिंगर है वो बाहर रखनी है, ताकि ये स्केल का काम करेगी और अच्छी तरह से ड्रेस लाइन के ऊपर आप लोगों को आउटलाइन है वो देनी है। ओके, इसी तरह से आप लोगों को आउटलाइन है वो देनी है अच्छी तरह से, पूरे सर्कल में धीरे धीरे ऐसे आउटलाइन देते जानी है। कंप्लीट। अब हम लोग फ्लावर में स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं पूरे फ्लावर में आप लोगों को नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आउटलाइन ही देनी है। तो अब तो आप लोगों को आ गया होगा अच्छी तरह से कैसे आउटलाइन देनी है, वो मैंने आप लोगों को सिखाया ही है। और ये बीच वाला सर्कल है, उसमें भी आउटलाइन दे दूंगी। थर्टी टू पे मैंने आप लोगों को हाफ में आउटलाइन करके दिखाया। अब पेज नंबर 33, तो पेज नंबर 33 पे आप लोगों को डिजाइन दी है, मॉडर्न आर्ट जैसी आप लोगों को डिजाइन दी है। तो इसके अंदर हम लोग पहले आउटलाइन देंगे। मैंने ब्लैक कलर है वो पीछे शार्पनिंग कर लिया है। यहाँ पे जो भी डिजाइन आप लोगों को दी है, इसके ऊपर धीरे धीरे आप लोगों को अच्छी तरह से आउटलाइन है वो देनी है। ट्रेस लाइन के बाहर हमारी आउटलाइन ना चली जाए, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। धीरे धीरे इसके अंदर करोगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ पे आप लोगों को स्केल का यूज नहीं करना है, ऐसे ही आप लोग आउटलाइन दे सकते हो। कंप्लीट। ये पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 32 पे हम लोगों ने आउटलाइन है वो दे दी है। ओके, अब पेज नंबर 32 पे आप लोगों को यहाँ पे देखो तीन कलर दिए हैं, रेड, ऑरेंज और येलो कलर। ओके,
यहाँ पे फ्लावर में तीन पंखुड़ियां है इसकी, ये तीन पेटल्स आप लोगों को रेड कलर की दी है और तीन पेटल्स वो ऑरेंज कलर की दी है। ओके, आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं इसमें दिया है वही कलर आप लोग फिलो करो। तो मैं यहाँ पे पर्पल कलर ले रही हूँ। कलर आप लोगों को कैसे फिलअप करना है, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए आप लोगों को कलर है वो फिलअप करना है। कलर है वो बाहर ना जाए वो आप लोगों को ध्यान रखना है। पर्पल एंड ब्लू कलर और पीछे का बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर का दूंगी। कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का। ये भी इसी तरह से आप लोगों को फिलअप करना है, गोल गोल घुमाते हुए मिक्स करते जाना है। और पीछे का बैकग्राउंड और बीच वाला सर्कल है वो हम लोग ऑरेंज कलर का करें। अगर बीच का सर्कल आप लोग कोई और करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। कंप्लीट, ये मैंने आप लोगों को हाफ करके दिखाया, हाफ आप लोगों को अपने आप कंप्लीट करना है। अब देखो पेज नंबर 33 पे आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पे आप लोगों को इधर उधर लाइन ड्रॉ करके दी है, यानी कि मॉडर्न आर्ट जैसे आप लोगों को लाइन ड्रॉ करके दी। यहाँ पे देखो मैंने बुक में जो ऑरेंज कलर है वहां पे मैंने 1 नंबर दिया है। तो आप लोग जितने भी आप लोग करना चाहते हो ना तो उतने आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। कलर यहाँ पे जो कलर दिए है ना वही कलर आप लोग फिलअप कर सकते हो। अगर आप लोगों को वो कलर नहीं फिलअप करना है तो कोई भी आप लोग एनी 4 कलर चूज करो और पहले ऐसे नंबर लिख दो। ओके, तो मैं यहाँ पे पेंसिल से जहाँ पे ऑरेंज कलर है वहाँ पे मैं 1 नंबर लिख रही हूँ। देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे लास्ट में 1। ओके, तो मैंने यहाँ पे साइड में नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे। तो 1 नंबर के बॉक्स में ऑरेंज, ओके, 2 नंबर के बॉक्स में रेड कलर, 3 नंबर के बॉक्स में स्काई कलर एंड 4 नंबर के बॉक्स में येलो कलर। ओके, इसी तरह से मैंने पहला पेंसिल से लिख दिया और जहां पे भी मुझे ये नंबर दिखेगा ना वहीं पे मैं ये करूंगी। रेड कलर तो यहाँ पर रेड कलर है तो 2 नंबर के बॉक्स में रेड कलर हम लोग फिलअप करेंगे। अब 3 नंबर के बॉक्स में तो स्काई कलर, जहाँ पे भी आप लोगों को स्काई कलर दिख रहा है वहां पे आप लोग 3 नंबर लिख जाए। अब 4 नंबर के बॉक्स में जो भी बॉक्स बचा है वहां पे आप लोगों को क्या करना है, 4 नंबर लिखना है। ओके, इजीली इजी आपका हो जाएगा और आप अच्छी तरह से कलर भी फिलअप कर पाओगे। कंप्लीट, मैंने पेंसिल से यहाँ पे लिख दिया। अब डायरेक्ट सीधा मैं कलर ही निकालूंगी। तो 1 नंबर के बॉक्स में कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे है और नीचे की तरफ 1 है। तो हम लोग यहाँ पे ऑरेंज कलर फिलअप करेंगे। एक कलर है वो एक दूसरे के बॉक्स में ना चला जाए वो आप लोगों को ध्यान रखना। पेंसिल से लिखा होगा तो भी चलेगा। ओके, अच्छी तरह से आप लोग ये लिखा हुआ है वो रख सकते हो आप लोग, ये बंद कर देना।
कंप्लीट। अब जहां पे भी वन नंबर है वहां पे मैंने ऑरेंज कलर फिलअप आप लोग कर दोगे। ओके, मैंने वन नंबर है तो वहां पे मैंने ऑरेंज कलर किया। अब टू नंबर पे मैं कौन सा कलर करूंगी? रेड कलर। मैं आप लोगों को हाफ करके दिखा रही हूँ, हाफ आप लोगों को अच्छी तरह से करना। अगर कहीं पे भी कलर आप लोगों को लाइट लग रहा है तो फिर से आप लोग कलर भी वो ऊपर घुमा सकते हो। ओके, टू 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 नंबर जहाँ पे लिखा है वहां पे आप लोग रेड कलर फिलअप करो। अब थर्ड नंबर पे आप लोगों को कौन सा कलर दिया है? स्काई कलर। तो मैं यहाँ पे स्काई कलर फिलअप कर दूंगी। जैसे मैंने सिखाया इसी तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से ये पेज नंबर 33 पे अच्छी तरह से आप लोग कलर है वो फिलअप करना है। जैसे मैंने सिखाया वैसे ही पेज नंबर 32 में अच्छी तरह से कलर फिलअप करना वो तो इजी ही है। ओके, जब स्कूल रीओपन होगी तब मैं बुक में चेक करूंगी।